एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन ऑन अ फ्यू एडवाइसेस, और वो ये कि जब अल्लाह के नबी सल्लम गशी खा गए और बेहोश थे, तो जब भी होश आता पूछते आयशा कितने पैसे पड़े हैं, कहते 7 दिनार पड़े हैं। उन्होंने कहा आयशा सदका कर दो, और फिर बेहोश हो जाते, और फिर जब उठते तो कहते आयशा कहते किया या रसूल सल्लम, आई वाज बिजी इन योर नो टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं और सुभानअल्लाह उनको भी था कि ये अलग में चले जाएंगे तो पीछे कुछ ना कुछ तो हो। मैंने कहा आयशा मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि मेरे पास 7 दिरहम या दिनार पड़े थे और मैंने वो सदका नहीं किया। सो ये है इमामुल कायनात जो कि इतना पैसा, मतलब पैसे के हिसाब से इतना डर रहे हैं, ये इमामुल अंबिया है, तो हमारा क्या बनेगा। सो पैसे को ना अल्लाह ताला ने जो आपको माल दिया है ना, अगर आपको स्टेटस में यहाँ पे रखा है तो इसलिए दिया है कि आप लोगों पे खर्च करें और यहाँ पे आ जाएं, और लोगों को अगर यहाँ रखें ना तो इसलिए दे ताकि उन पे आप खर्च करें तो आप यहाँ पे आ जाएं और एक बेहतरीन सोसाइटी बन जाए इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात है अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे पास अगर सिक्योरिटी है, एक दिन का खाना है, मतलब इतने ही कि तुम्हारी कमर सीधी रहे, और तुम्हारे पास एक छत है जिसमें तुम रह सको, तुम्हारे जैसे ऐसे है तुम्हारे लिए जमीन के खजाने बिछा दिए गए तुम्हारे कदमों में, और हम लोग बस समेटने के चक्करों में और कल के चक्कर में। देखिए सुभानअल्लाह, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पूछा गया कि आप तो कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहे अपने अपने औलाद के लिए, क्या बनेगा। उन्होंने कहा कि अगर तो मैं बहुत ज्यादा माल के छोड़ के जाऊँ ना और ये नेक ना हो तो ये इनके लिए बर्बादी का बायस बनेगा, लेकिन अगर मैं कुछ भी ना छोड़ के जाऊँ और एक मुत्तकी औलाद छोड़ के जाऊँ तो अल्लाह विल टेक केयर ऑफ देम। आपको पता बिल गेट्स ने, एग्जैक्ट बिल गेट्स ने ये बात अपने बच्चों के बारे में की, और कोई पैसा बिल गेट्स ने इनहेरिटेंस में नहीं डाला, अभी से लिख दिया कि मेरे बच्चों को पैसा नहीं मिलेगा, नहीं तो सहल पसंद एरोगेंट हो जाएंगे। अल्लाह देख अंदर की केमिस्ट्री खुद ही उस शोर को आवाज दे देती है। और हम कहते हैं मौलवी साहब आपको ज्यादा ही कुछ ज्यादा इस्लाम, यहां हमारा दीनदार इंसान कहता है कि मैं बस चाहता हूं कि अपनी नस्लों के लिए छोड़ दूं, और वो लॉजिक कह देते हैं कि ये दीन का काम करें, इनको पैसा जो है ना ऑक्यूपाई ना करे और दीन का काम करें। शैतान ने कैसे डिलूट किया, कैसे डिलूट किया। हालांकि पैसा अच्छा, लोग इसलिए भी ज्यादा कहते हैं हम ज्यादा पैसा इकट्ठे कमाएंगे ताकि हम अल्लाह के रास्ते ज्यादा खर्च कर सकें। भाई आपके पास थोड़ा पैसा है ना, आप इसी का कुछ लगाओ, आपको अल्लाह ज्यादा अजर देगा। अजर की नेकी, अल्लाह को रजा करना, अल्लाह को राजी करना असल मकसद है ना, नेकी करना असल गोल नहीं है, अल्लाह को राजी करना असल गोल। तो अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं पर आप वो लगा दो, क्योंकि क्यों सहाबा का सदका इतना जो था मुट्ठी भर हमारे ओहद पहाड़ के सोने खर्चने से बेहतर था, क्या वजह? उसकी वजह सिर्फ ये कि उनके पास थोड़ा था, उन्होंने उसमें से कितने परसेंट लगा रहे थे। तो ये शैतान की वसवसे ना है। और गिव अर्ली सदका, एक शख्स थे, बड़ी प्यारी बात, एक शख्स थे जो कि बिलियनियर और वो बिल्कुल सादा इंसान कराची में होते हैं, कहते हैं कि एक शख्स ने पूछा कि आप पैसे कैसे कमाते, कहते हैं अल्लाह की कसम तुम अल्लाह के रास्ते में लगाओ, तुम अमीर होने अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अनफिक उनफिक अलैक, तुम खर्च करो तुम पे खर्च किया जाएगा। अल्लाह के बिलाल कह रहे हैं बिलाल को, हालांकि गरीब सहाबी है, कह रहे हैं या बिलाल अनफिक वला तखशा अर्श इक्लाला, तू लोगों पे खर्च कर और मत डर के अर्श का मालिक तुझ पे खर्च कर सकेगा। और हम लोग सुभानअल्लाह हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, जब ये 2 लाख ना 4 लाख हो जाएंगे ना फिर उसमें से 50,000 निकाल दूंगा, जब ये 4-8 हो जाएगा ना 8-10 हो जाएंगे फिर निकालूंगा। हालांकि ये मलेशिया के जो रिचेस्ट मैन है शेख चौफी जो बता रहे थे, चौफी चौधरी कहते हैं कि जब वो आए ना सीरिया से हिजरत करके कुश्ती पे आए, मलेशिया पहुंचे, जूते थे उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, कहते उन्होंने जूते बेचे और 4 रिंगिट कमाए, 4 रिंगिट लिए उस जूते को बेच के। तो माँ ने कहा पुत्र 2 रिंगिट दे। उन्होंने कहा माँ जी 4 रिंगिट हैं, हम 2 की रोटी खाते हैं, 2 इन्वेस्ट करते हैं, उससे बनेंगे और जब ज्यादा बन जाएंगे तो फिर हम देंगे। उन्होंने कहा पुत्र पैसा पैसा नहीं बनाता, अपॉर्चुनिटीज पैसा बनाती है जो अल्लाह की तरफ से आती है। सो कैपिटल नेवर मेक्स मोर मनी, अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेक्स मोर मनी। तो गिव habit, you know, you should have an habit of giving early sadaqas in your life. 1,000 हैं 300 निकालें 500 निकालें अपनी सदात के मुताबिक। हम वक्त सदीक नहीं है कि हम पूरा 1,000 निकाल दें और कहें तरह तुम लहुम अल्लाह व रसूलहु, हम जितना निकालो अल्लाह ने ये भी हमसे डिमांड नहीं कि तुम सारा के सारा निकालो, ये अल्लाह का करम है, रहम पे हम ज़कात निकालें और जितना निकाल सकते निकाल लें और अल्लाह ताला आप पे खर्च करेगा। और ये जो सोच है ना कि मैं पैसा दे रहा हूँ इसलिए कि ज्यादा अल्लाह मुझे माल देगा, यही किलर है असल में। बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से दे रहे हैं तो फिर अल्लाह को थोड़ी दे रहे हैं, फिर तो अपने आप को दे रहे हैं आप। आप यकीन करें कि अल्लाह ताला आपको इसका रिटर्न दुनिया में आखिरत में देगा, लेकिन आपका जो बेसिकली जो आपका कंटेम्प्रेरी लॉजिक नहीं होनी चाहिए, आपकी बिलीफ बेस्ड लॉजिक होनी चाहिए कि मैं रब को दे रहा हूँ मुझे कल ये मिलेगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एक वाक्य सुना के खत्म करता हूँ।
एक ये फिक्शनल वाक्य हमें सुनाया था, और वो था कि बेसिकली सदाम हुसैन का एक जानने वाला था कराची में, बड़ा बिजनेसमैन था, और सदाम ने कहा कि हम बेसिकली अटैक करने वाले हैं ईरान पे या सऊदी पे गालिबन, तो तुम जितने रियाल खरीद सकते हो खरीद लो, ठीक है, जब हम अटैक करेंगे और ये होगा और रियाल हमारे उस पर पास आ जाएंगे तो हम इसकी कीमत बढ़ा देंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगी और रियाल बढ़ जाएंगे, तुम्हें एक एक रियाल पे 10 times फायदा होगा। तो उसने क्या किया, उसने अपना घर भी बेच दिया, गाड़ी बेच दी, बेगम का 5 मरले घर में आ जाओ, और लोगों ने कहा तो पागल हो, इतना तुम पैसा खर्च कर रहे हो और क्या वजह, लो पीपल आर लॉफिंग एट हिम, ही वाज लॉफिंग इनसाइड के यार ये मुझे एक एक रियाल ना कल 10-10 रियाल देगा, तो ही वाज सो सेटिस्फाइड कि ये कल मुझे मंडे तो गुजरने दो ना, 3-4 दिन गुजरने तो मुझे सारे पैसे वापस आ जाएंगे। व्हाई कैंट वी डू द सेम, कि जब अल्लाह ने हमें वादा किया कि तुम एक खर्च करो तुम्हें 10 नहीं 70 नहीं 700 नहीं तुम्हें बगैर हिसाब किताब के दूंगा। हदीस है सदका माल को कम नहीं करता, कम नहीं करता, इतनी सी हदीस है बस, मैं नकसत माल में सदका, लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं जेब में तो कम हुआ ना हमारे, जब तो जेब काम करते हैं। एक उस्ताद कह रहे थे और बड़ी जबरदस्त फिलॉसफी है, इस्लाम की फिलॉसफी है ऐसी है कि अल्लाह के सबसे बड़े इकराम कर्मों में से कर्म ये है कि इंसानों की सारी दुआएं कबूल नहीं होती, अगर हमारी वो वाली दुआएं कबूल हो जाए जो हम मांगते हैं तो तबाही मच जाए हमारे साथ भी दुनिया में भी। ये अल्लाह ताला का हम पे इतना बड़ा कर्म है कि जो आखिरत के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, नहीं तो हम जितनी सेल्फिशनेस में अपने लिए सारा कुछ मांग लेते हैं वी वुड बी द मोस्ट डेवास्टेटेड पीपल ऑन द डे ऑफ आखिरत। ये अल्लाह ताला बहुत बड़ा कर्म है। या सो ध्यान में रखिएगा ये दुआ के पीछे एक फलसफा जो है ना, ये इस तरीके से देखना है। अच्छा एक और भी एक दुआ बता देते हैं इनको लोगों को, वो दुआ है दुनिया अकबर हमीना वाला मबलग इल्मीना, या अल्लाह इस दुनिया को मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ना बना लेना, और नॉलेज गेन करने का दुनिया वो मकसद ना हो कि मैं जो इल्म सीख रहा हूँ दुनिया मुझे मिल जाए, तो इससे बचें और अपना आखिरत फोकस रखें इंशाअल्लाह। ज़ाकिर साहब फॉर कमिंग हियर, शेख अली बारक अल्लाह फीक फॉर गिविंग अस टाइम, इंशाअल्लाह पार्टी से बाद ही ऑन होनी है लेकिन लाइव नहीं, इंशाअल्लाह बारक अल्लाह फीकुम, अस्सलाम वालेकुम।